हैप्पी इवनिंग। और आप लोग सोच रहे हैं कि आज मैंने सर पे पल्ला क्यों रखा है, तो एक्चुअली मेरी मौसी सास आई हैं घर पे, मम्मी जी की बड़ी बहन आई है, तो इस वजह से वो जब से मैं मतलब यह मेरी शादी हुई तब से वो पहली बार यहाँ आई है मौसी जी, तो जो है तभी मैंने पल्ला रखा है क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो उनके सामने छोटी वाली मौसी के सामने तो मैं पल्ला नहीं करती क्योंकि छोटी वाली मौसी सबसे छोटी है, काफ़ी कूल टाइप की है, तो उनके सामने मैं नहीं करती, लेकिन ये वाली जो मौसी है ये बहुत बड़ी है मम्मी से, तो इस वजह से। तो खैर अभी मौसी को पानी वानी पीने के लिए दे दिया है, अभी मैं बना रही हूँ चाय, और अभी ये शाम का टाइम, अभी जस्ट मौसी आई है तो चाय बना रही हूँ, और वो ना ब्लैक टी पीती है जैसे ये पीते हैं ना भंगा और अदरक वाली, वो वाली पीती, तो वही बना रही हूँ। तो चलिए फिर अभी हो सकेगा तो अभी तो मौसी यहाँ रुकेंगी तो मैं आप लोग से मिलाऊँगी, और अभी हम लोग को एक जगह जाना है तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग, तो चलिए फिर पहले मौसी से। तो यहाँ पर चाय बन गई है, मौसी को दूध वाली चीज़ें बना है इसलिए उन्होंने कहा ब्लैक टी बनाओ, तो ब्लैक टी ही बना दिया है मैंने, गुड़ वाली चाय, और बस वही देने के लिए जा रही हूँ। इनको भी पसंद है तो इनको भी दे दिया मैंने, ये तो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट मैं चाय वाय सबको दे देती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं जल्दी से खाना भी बना दूँगी, उसके बाद कहीं जाना है हम लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव में आलू भून लिया है, और बैगन मैंने भून लिया था गैस पे क्योंकि मम्मी ने कहा था चोखा बना दो आलू बैगन का, तो बस वही बना रही हूँ, बाकी दाल वाल है, और अभी मेड आई है तो वो बर्तन धो रही है। और ये देखिए बैगन और टमाटर मैं गैस पे भून रही हूँ क्योंकि ऐसे भून के जो चोखा बनता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है, मैं कभी भी बॉयल करके नहीं बनाती चोखा, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। और यहाँ पर मैंने धनिया मिर्चा अदरक और लहसुन सब काट लिया है छोटा छोटा, तो बस भून के सब चीज़ें मिक्स कर दूँगी, रेसिपी कई बार दी है इसलिए बताऊँगी नहीं, जल्दी जल्दी था जल्दी से मैंने बना दिया। और अभी हम लोग निकल आए हैं इनके दोस्त के यहाँ, एक्चुअली जब मयंक भैया आते हैं ना इनके दोस्त तो हम लोग सबके यहाँ मिलने जाते हैं साथ में, अकेले तो जाते नहीं हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इनके दोस्त नेहा के यहाँ, तो वहाँ पर एक्चुअली इनके पापा की डेथ हो गई है अभी रिसेंट में, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, और वहाँ पर कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आप समझ सकते हैं कैसा माहौल होगा, आंटी जी बहुत रो रही थी तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया, तो ये उनका घर आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी हम लोग वापस आ रहे हैं अपने घर, तो चलिए फिर अब मैं डायरेक्ट कल सुबह ही मिलूँगी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी हम लोगों को आने में, 10:30 बज गया था। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज नेक्स्ट डे, मैंने नहा लिया है, नहा के पूजा कर ली है, और आज ना मम्मी को मेरी सासू माँ जा रही हैं वैष्णो देवी, तो मुझे फटाफट सारी तैयारियां करनी हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह ही नहा लिया मैंने 7:00 बजे। और अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने क्योंकि मौसी सास हैं तो नाश्ता भी टाइम से चाहिए कुछ अच्छा सा, तो मैंने फरा बना दिया है जल्दी से गेहूं के आटे वाला, तो ये काफ़ी अच्छा नाश्ता है, मौसी को पसंद भी है तो मैंने वही बना दिया। तो ये देखिए बड़ा बड़ा बना के जल्दी से काट के उसे फ्राई कर दिया, और किसी दिन रेसिपी डिटेल में शेयर करूँगी, आज टाइम नहीं था। तो ये देखिए इस तरह से बना बना के बॉयल कर लिया और फिर उसे काट के फ्राई कर लिया, और उसके साथ टमाटर वाली चटनी बना दी, तो सबको खिला दी। यहाँ पर माला भी खा रही है, मैं, मम्मी, मौसी, ये रही मेरी मौसी सास, आप लोग मिल लीजिए, मम्मी की बड़ी बहन है, तो बस यहाँ पे हम सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं, और इसके बाद अभी बहुत सारा काम है तो वो सब फिनिश करना है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ करेले की कलौंजी क्योंकि मम्मी जी कलौंजी लेके जाएंगी, कलौंजी ख़राब नहीं होता ना इसलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं आज एक अलग तरीके से कलौंजी बना रही हूँ, मौसी ने बताया वैसे, तो करेले को बॉयल करके मैंने सुना तो था इसके बारे में लेकिन कभी बनाया नहीं था, आज मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और यहाँ पर कलौंजी का मसाला मैंने तैयार कर लिया है, यहाँ पर दाल बन गई, चावल बन गया, दूसरी तरफ खाना भी बन रहा था क्योंकि खाना भी सबको टाइम से चाहिए होता है। अच्छा यहाँ पे करेले जब बॉयल हो गए तो मैंने उसमें मसाले भर दिए हैं, और बस तवे पे तेल डाल के उसे हल्का सा फ्राई करना है जैसे शादी वादी में नहीं देते हैं उसी तरीके से, सच में बहुत अच्छा बना था ऐसे बनाने से। ऐसे बनाने से क्या हुआ था कि करेला जला भी नहीं था, मसाले भी नहीं निकले थे, और ये देखिए एक बार का मेरा बन भी चुका है, बहुत अच्छे बने थे, तो अब मैं ऐसे ही बनाऊँगी, बहुत जल्दी पक गया था। तो अभी ये देखिए रवि भैया भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चल रुकी आपको अपने वीडियो में ले लेती हूँ, बहुत दिन हो गया, तो हंस रहे थे, तो हम सब लोग बैठे हैं, बातें बातें हो रही हैं, साथ साथ में खाना वाना भी बन रहा है, मम्मी जी का भी ले जाने वाला भी बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे है, तो सुबह से मैं बस सुबह 7:00 बजे, हाँ 7:00 बजे पर मैं नहा लिया था, तब से किचन में ही लगातार हूँ क्योंकि आज मम्मी जी जाएंगे वैष्णो देवी, तो उनके खाने की भी तैयारी हो रही है, कि मैंने उनके लिए बना दिया कलौंजी करेले की, क्योंकि कलौंजी ख़राब नहीं होती है तो 2-3 दिन चल जाएगी, क्योंकि मम्मी होममेड खाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं।
और उसके साथ क्या मैं, हाँ अभी बनेगा वो जो मीठी वाली पूड़ी होती है ना, हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं उसको, आटे में, आटे को चीनी के पानी से मतलब उसको घूटते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल के दही वही डाल के ऐसे बनाते हैं, लेकिन सोडा वगैरह डाल के, तो वो आटा भी लग गया है अब तो, वो मैं मीठी पूड़ी चाल दूँगी, थोड़ा सादी पूड़ी बनेंगी थोड़ा मीठी, मम्मी लेके जाएंगी, आलू बॉयल हो गया, आलू फ्राई हो गया, वो भी लेके जाएंगे, माला माला पोछा लगाया तो सुन रही हूँ क्या बोले, तो सुबह से यही सब करने में लगी थी, नाश्ते में फरा बनाया था, पता है आज मैंने अलग तरीके से करेली कलौंजी बनाई, बहुत अच्छी बनी, मेरी मौसी सास ने बताया वैसे बनाया है, तो कभी मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूँगी, यार मेरी बाकी ट्रिक ना बहुत सही है, बहुत जल्दी कलौंजी बन गई, वरना कलौंजी पकने में इतना समय लगता है और ऐसे बहुत सही होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी आप लोगों से शेयर करूँगी, आज बहुत बिजी शेड्यूल था तो नहीं कर पाई, पर आज फर्क मैं आपके नाश्ते में वो भी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गेस्ट ऊपर से मम्मी को जाना है, आज शाम के भी 5 बजे की ट्रेन है, तो चलिए फिर फटाफट मीठी पूरी मम्मी के लिए बना देती हूँ, खाना दाल चावल सब्जी बन गया है और नाश्ता भी बन गया है, अब बस फटाफट मीठी पूरी। तो अभी शाम हो गई है और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए मीठी पूड़ियाँ बना दी हैं, पुआ जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी दिनों तक चलता है, वो शादी वाली तो ख़राब हो जाएगी। मम्मी कहाँ जा रही हैं? वैष्णो देवी, जय माता की, जय माता की। तो मम्मी का बुलावा आ गया है तो मम्मी जा रही है वैष्णो देवी, पहली बार जा रही है ना मम्मी? हाँ, तो मम्मी पहली बार ही जा रही है वैष्णो देवी, हम लोग जा रहे हैं मम्मी को ट्रेन पे बैठाने के लिए, बस अभी दोपहर का टाइम है, सीट बहुत गर्म है, बहुत गर्मी नहीं है, आपका एसी से टिकट है ना तो फिर सुकून से बैठेंगे आप। तो बस हम लोग जा रहे हैं मम्मी को स्टेशन छोड़ने के लिए, मतलब ट्रेन पे बिठाने के लिए, और ये देखिए ये है अम्बेडकर पार्क, तो जब मैं इधर से गुजरती हूँ तो आप लोग को दिखा देती हूँ, अच्छा लगता है ना देखने में, तो खैर चलिए फिर फटाफट स्टेशन पहुँचते हैं। तो ये हम पहुँच गए लखनऊ का रेलवे स्टेशन, आप लोग भी देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, बहुत बड़ा है, अभी तो मैंने बस एक साइड का ही लिया है सामने का, तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं स्टेशन पे, और दीपिका दीदी भी आ गई हैं, मम्मी की बहन की बेटी हैं, ये भी जा रही है, इनकी पूरी फैमिली जा रही है, मतलब मम्मी की बहन की, इसलिए मम्मी भी जा रही है उन लोग के साथ, और स्टेशन पे देखिए इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, और ऊपर से इतनी गर्मी, ऐसा लग रहा था सारी दुनिया जर्नी कर रही है। तो खैर अभी सब लोग जा रहे हैं, मतलब मम्मी लोग, तो चलिए इन लोग को बिठा के ट्रेन पे फिर मिलती हूँ। अभी ट्रेन हो गई है लेट, मम्मी जी इंतज़ार में, कब जल्दी है, कब जाएंगे ना मम्मी जी? मम्मी जी एक्साइटेड है क्योंकि जा रही वैष्णो देवी, जल्दी से बैठे मम्मी कहाँ से, मम्मी ट्रेन का सफ़र बहुत कम किए हैं, मम्मी नॉर्मली कार से ही जाती हैं, बाल की हालत, शक्ल की हालत देखते ऐसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हाँ इधर से रोशनी आ रही है इधर से। तो ट्रेन पूरी एक घंटे लेट थी, एक घंटे बाद, मतलब 5 बजे आना था, 6 बजे आई, तो हम लोग भी खड़े थे कि ट्रेन आ जाए, बिठा दे तब जाए, तो ये देखिए ट्रेन आ चुकी है, तो अब बस हम मम्मी लोग को बिठा देते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो चलिए फिर अभी बिठा उठा के फिर मिलते हैं। तो बिठा दिया है मम्मी जी को, सामने वाली खिड़की के अंदर ही बैठी हैं, और अंदर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे बैठ रहे थे, बस 10 मिनट ही रुकी थी, तो बस ट्रेन चली गई, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और ये रहा लखनऊ का रेलवे स्टेशन, तो बहुत जल्द शायद हम लोग भी जाएँ कहीं। हम लोग मम्मी को ट्रेन पर बैठा के अभी जा रहे हैं घर वापस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम। तो बस अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, और रास्ते में ना ये राज्यसभा और विधानसभा पड़ा था, तो मैंने देखा तो मैंने कहा रुको आप लोग को दिखाती हूँ, एक्चुअली सामने से हम लोग नहीं जा रहे थे, साइड से जा रहे थे, तो साइड से ही दिखा दिया, तो ये रहा विधानसभा और राज्यसभा, तो बस अभी हम जा रहे हैं वहाँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वेज कबाब खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे कबाब देते हैं, इनको बहुत पसंद है मुझे भी, तो अभी चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, जो भी शूट हुआ है प्लीज़ देख लेना, बाय बाय।